नमस्कार दोस्तों, कल के आईपीएल मैच के साथ मैं फिर से एक बार आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कल आईपीएल 2021 में 30 दिसंबर को 44वां मुकाबला खेला गया। गुरुवार को शारजाह में चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला गया। इस मैच को चेन्नई सुपर किंग ने 6 विकेट से जीत लिया। टॉस जीतकर एमएस धोनी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी इस मैच में भी फ्लॉप रही, न टॉप ऑर्डर चला और न ही मिडिल ऑर्डर, साले धुरंधर पस्त हो गए। रिद्धिमान साहा ने सबसे ज़्यादा 44 रन की पारी खेली और किसी तरह हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 134 रन बनाए। चेन्नई के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। खासकर ट्रेन ब्रेवो और जोस हेडलवुड ने, ब्रेवो ने 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए जबकि हेडलवुड ने 24 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। 135 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम को एक बार फिर शानदार शुरुआत मिली। ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसी ने पहले विकेट के लिए 75 रन जोड़े। ऋतुराज ने 44 और फाफ डुप्लेसी ने 41 रन की पारी खेली। मिडिल ऑर्डर में धोनी ने नाबाद 14 रन और अंबाती रायडू ने 17 रनों का योगदान दिया। धोनी ने अंत में छक्का लगाकर मैच को अपने नाम कर लिया।